हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद समीर क्लासेस में मैं समीर आपका स्वागत करता हूँ। हमने क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका पार्ट 1 कर लिया था। आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की सुबह तक पम्प्स ने जल स्तर को पर्याप्त रूप से नियंत्रित कर लिया था, जिससे कि हम बारी बारी से 2 घंटे का आराम ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। लेकिन अभी भी नीचे वाटर लाइन में कहीं एक बहुत बड़ा लीकेज था और चेक करने पर पता चला कि नाव मुख्य बॉटम फ्रेम कील तक टूट चुका था। कील बोट का सबसे निचला हिस्सा होता है। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। वास्तव में कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस के अलावा ऐसा कुछ भी ना था जो पूरे स्टारबोर्ड हल को संभाले हुए था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर उंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। हमने 15 घंटे सर्वाइव कर लिए थे जब से लहरों ने हमें हिट किया था, लेकिन वेव वॉकर की स्थिति को देखकर नहीं लगता था कि वह हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने अपनी चार्ट चेक की और कैलकुलेशन किया तो पता चला कि कुछ 100 किलोमीटर पूर्व में 2 छोटे द्वीप थे। वन ऑफ देम आल एमस्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक आल एमस्टर्डम जो कि एक फ्रांसीसी साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारी एकमात्र उम्मीद इस विशाल महासागर में सुई के बिंदु के समान उन द्वीपों पर पहुँचना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। यदि हवा और समुद्री लहरों की रफ्तार कम नहीं होती हम आगे सेल नहीं कर सकते थे। वास्तव में हमारे चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। उस बड़ी लहर ने हमारे सहायक इंजन को नाकाम कर दिया था। ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पम्पिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद अब हमारे शिप में नाम मात्र कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें उसी पानी को निकालना था जो अब भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मेन मास्ट पर कोई सेल यानी पाल नहीं लगा सके। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। रस्सी पर बढ़ता दबाव जहाज के डैमेज्ड हिस्से को अलग कर देगा, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब लगाया और उस ओर चल पड़े जहां पर हमने सोचा था वे दोनों आइलैंड्स हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ यानी गोमांस और क्रैकर बिस्किट्स मिले और लगभग 2 दिनों में हमने अपना पहला खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन उससे हमें थोड़े समय की ही राहत मिली। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हाइयो। 4 बजे हमारे पीछे काले बादल बनने शुरू हो गए। 1 घंटे के अंदर हवा की स्पीड 40 knots हो गई और समुद्र की लहरें ऊंची उठती जा रही थीं। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। रात भर मौसम और ख़राब होता चला गया और 5 जनवरी की भोर तक हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? बच्चों को सांत्वना देने के लिए जब मैं अंदर गया, जॉन ने पूछा,
डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम मुसीबतों को पार कर लेंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन, वी अरेंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई. लेकिन डैडी, वह बोलता रहा, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं, आप और मम्मी, सू और मैं. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डेटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. उसे जवाब देने के लिए मेरे पास शब्द ना थे. मैं बच्चों के केबिन से निकल आया, लेकिन मैंने निश्चय किया जितनी भी शक्ति मुझ में बची है उस शक्ति के साथ मैं समुद्र से लड़ूंगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोल्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोल्ड हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. कमजोर पड़ चुके स्टार बोल्ड साइड को बचाने के लिए मैंने शिप के अनडैमेज्ड पार्ट को मोटी नायलॉन की रस्सी और मिट्टी के तेल के 22 लीटर वाले दो बैरल के इस्तेमाल से एक काम चलाऊ एंकर के प्रयोग से उठाने का फैसला किया. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे जबकि जहाज की गति के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी टूटी हुई तख्तियों से अंदर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. हम दोनों ने महसूस कर लिया था कि हमारा अंत बहुत निकट है. बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड एजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. लेकिन हमारा शिप वेव वॉकर तूफान से बाहर निकल आया और 6 जनवरी की सुबह तक हवा की रफ्तार कम हो चुकी थी. मैंने सेक्सटेंट के द्वारा दिशा को जानने की कोशिश की. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन. वापस चार्ट रूम में जाकर मैंने हवा की गति, हवा के अनुसार शिप का घुमाव, बहाव और प्रवाह जानने की कोशिश की ताकि अपनी सही पोजीशन की गणना की जा सके. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. इन सब के द्वारा जो सबसे अच्छी चीज मैं जान पाया वो था कि हम 150,000 किलोमीटर के महासागर में कहीं थे और 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड की तलाश कर रहे थे. वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी. जब मैं ये सब सोच रहा था तभी सू दर्दपूर्ण ढंग से आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलन एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स. उसके सिर का बायां हिस्सा काफ़ी सूज आया था जिसके कारण काली हो चुकी उसकी आँखें छोटी दिखाई दे रही थीं. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. उसने मुझे कार्ड दिया जिसे उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी केचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल. उस कार्ड के फ्रंट पर उसने मैरी और मेरा कार्टून ड्रॉ किया था और उसके साथ कुछ शब्द भी थे, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. मुझे तो बहुत हंसी आई. इनसाइड वॉज अ मैसेज ओह हाउ आई लव यू बोथ. इसके अंदर एक मैसेज था, ओह कितना प्यार करती हूँ आप दोनों से. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यह कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए ही है और आइए सबसे अच्छा होने की आशा करते हैं. सम हाउ वी हैड टू मेक इट, नैरेटर ने कहा, कैसे भी हमें ये करना था. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. मैंने अपना कैलकुलेशंस बार बार चेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग आई स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. हम अपना मेन कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र खो चुके थे और मैं एक अतिरिक्त कंपास का इस्तेमाल कर रहा था जिसे कि मैग्नेटिक वेरिएशन
यानी चुंबकीय बदलाव के लिए सही नहीं किया गया था। आई मेड एन अलोवेंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। मैंने इसके लिए और पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए गुंजाइश रखी जो हिंद महासागर के इस हिस्से से होकर बहता है। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees। लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी को 185 degree पर बोट को घुमाने के लिए कहा। इफ आई वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 PM। मुझे नहीं लगा था, फिर भी मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, यदि हम भाग्यशाली रहे तो वह करीब शाम के 5 बजे तक आइलैंड देखने की उम्मीद कर सकता है। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। फिर भारी मन के साथ मैं नीचे चला गया और अपने बंक पर चढ़ा और हैरानी की बात थी कि मुझे नींद भी आ गई। वेन आई वोक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। जब मैं जागा तो 6 बजे थे और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स। मुझे लगा कि हमने आइलैंड मिस कर दिया होगा और जिस पाल को हम छोड़ चुके थे उसके बगैर हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वापस जाकर उन पश्चिमी हवाओं को मात दिया जा सके। एट दैट मोमेंट अ टॉजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। उसी क्षण मेरे बंक के बगल एक उलझे बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्क्ड। वह जोनाथन था, उसने कहा, क्या मैं गले लग जाऊं? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। सू भी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क्ड। मैंने पूछा, मुझे अभी हग क्यों किया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। मेरे पुत्र ने कहा, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड। मैंने कहा, नहीं जॉन, आज नहीं। मैं इस बात को आज साबित नहीं कर सका। वाई यू मस्ट बी सेट सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज। सू ने जोर देकर कहा, क्यों डैडी, आप हो। यू फाउंड द आईलैंड। आपने आईलैंड ढूंढ लिया है। वॉट आई साउटेड। मैं हैरानी से चिल्ला उठा, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटलशिप। वे एक स्वर में बोले, वह वहां हमारे सामने है, वह युद्ध के मैदान की जितना बड़ा है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आल एमस्टर्डम। मैं भागकर डेक पर गया और बड़ी सुकून भरी नजरों से उस सख्त आल एमस्टर्डम आइलैंड के आउटलाइन को देखा। इट वॉज ऑनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। यह नाम मात्र हरियाली लिया हुआ एक ज्वालामुखीय चट्टान का टुकड़ा था। दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड। इतना वक्त समुद्र में बिताने के बाद, वह भी इतनी मुसीबतों के साथ, तो जाहिर सी बात थी कि वह दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड ही होगा। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। रात बिताने के लिए हमने वहां किनारे पर लंगर डाला और अगली सुबह उस आइलैंड के सभी 28 निवासियों ने हमारा स्वागत किया जिन्होंने हमारी मदद की थी शिप को एंकर्ड करने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूसियल आर्स। जब मैंने अपने नीचे फिर से जमीन को महसूस किया तो लैरी और हर्बी का एहसान मंद था जो इतने भयानक परिस्थितियों में भी हसमुख और आशावादी थे, और मैरी जो इतने निर्णायक समय में पूरे वक्त स्टीयरिंग को संभाले बैठी थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी विच सबसिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ recurring ब्लड clot बिटवीन स्किन एंड skull एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु was नॉट afraid टू डाई। और इन सबसे ज़्यादा मैंने उस 7 साल की नन्ही बच्ची के बारे में सोचा
जो अपने हेड इंजरी के बारे में नहीं चाहती थी कि हम परेशान हों, जिसके लिए 6 छोटे मोटे ऑपरेशंस करवाने पड़े स्कल और स्किन के बीच से ब्लड की क्लॉटिंग हटाने के लिए। और रही बात उस 6 साल के बच्चे की जिसे मौत का कोई डर नहीं था, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी अब तक ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, फ्रेंड्स जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे।